हाथों देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के लिए एक और जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं देश में कई ऐसे लोग भी हैं जिनका जज्बा स्वच्छ भारत के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने को तत्पर है। इसका एक उदाहरण कोयलांचल के धनबाद में देखा जा सकता है, जहां सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर निवासी गणेश ने कचरा उठाने के रिक्शा ठेले में बाइक को जोड़ लिया है, जिससे कचरा उठाने वाली गाड़ी पैडल के बजाय एक्सीलेटर से चलने लगी है। इस बाबत पूछे जाने पर गणेश ने बताया कि वह कई जगह पर घूम घूम कर कचरा चुनने का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के पैसे से रिक्शा गाड़ी खरीदा था, जिसमें वह शहर के प्रमुख स्थानों पर फेंके जाने वाले कचरे को चुनकर शहर को साफ रखने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे उनका मन इतना रम गया कि अब वह सड़क पर कचरा देखकर उसे तुरंत उठाकर अपने कचरे की गाड़ी में डाल लेते हैं। ऐसे में दिन भर पैडल मार कर रिक्शा गाड़ी चलाने के बजाय कुछ बेहतर करने की सोच में लग गए, क्योंकि दिन भर में रिक्शा गाड़ी से ज़्यादा क्षेत्र नहीं घूम पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने रिक्शा गाड़ी में एक बाइक को जोड़ लिया। अब उनका कचरा ढोने वाला रिक्शा पैडल की बजाय एक्सीलेटर से चलने लगा है। ऐसा कर अब वह शहर के ज्यादा क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखने के काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ये टेक्निक से आप गाड़ी बनाए हैं, गाड़ी से क्या है ये जो बनाए हैं? वो समाज सेवा के लिए, जहाँ गंदगी रहता है साफ कर देते हैं ताकि आदमी सुरक्षित रहे। ये कोरोना में जो बीमारी से लड़ रहे हैं, हम कुछ मदद कर दे देश के लिए, यही हमके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। ये आपकी टेक्निक कहाँ से आया? ये तो ठेला हम चलाते ही थे पहले ही से। हाँ। और ऐसा ही सफाई वाला काम कर रहे हैं शुरू से। क्या अपना या किसी कंपनी का? नहीं, अपना अपना है। ये सफाई कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब जहाँ आपको गंदगी दिखता है? गंदगी रोड में कहीं और ऐसे फ्लैट एयर में। अच्छा। फ्लैट में काम करते हैं जहाँ 30 घर 50 घर है। ये गाड़ी मतलब ये कौन सी गाड़ी है? गाड़ी है बजाजे का है कोई। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम गणेश डोम। कहाँ रहते हैं? रहते हैं यहीं सदर हॉस्पिटल। ये आपका जो है इस तरह के मतलब प्रतिदिन ही काम करते हैं? जी हाँ। कितना बजे से लेकर कितना बजे? वो सुबह में निकलते हैं 9 बजे, 9 बजे से 3-4 बजे तक खटते हैं, जहाँ जहाँ साफ सफाई रहता है। जैसे सिटी सेंटर में ज़्यादा आदमी का भीड़ रहता है तो वहाँ साफ सफाई ज़रूरत है, इसलिए वहाँ लगल रहते हैं कि गंदगी ना हो, आदमी घूमे तो अच्छा में स्वस्थ रहे। कि आपका भरण पोषण कैसे होता है? यही से कमाते हैं। अच्छा, कचरा पैक कर रहे हैं। जी। क्या नाम है? गणेश डोम।